वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजकुमार यदुवंशी आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक बात ध्यान दें, इसमें हमें किसी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही सूटेबल ऐप्स आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है थंबनेल मेकर। जब आप थंबनेल लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप। अगर आपके पास पहले से प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए आगे कैसे होता है। अब आप देखेंगे सबसे पहला जो आएगा आपको उसी को डाउनलोड करना है, थंबनेल मेकर। इसका लोगो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरा ऐप्स मत डाउनलोड करिएगा। ये थंबनेल मेकर जैसे लिखा है ना, सेम टू सेम इसी को करिएगा। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप इसको बिल्कुल मत करिएगा। इसका चिन्ह आप पहचान लीजिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। बीच में देखिए वाइट करके तो मेकर लिखा है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, फिर ओपन कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है, ये ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ओपन होने के बाद ये पूछेगा मतलब कि आपने जो पहले बनाया हुआ था थंबनेल उसको आप देखना चाहते हैं या फिर नया बनाना चाहते हैं। तो अगर पहले आपने बनाया था तो आप यस कर देंगे, नहीं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। तो पहले हमने ये थंबनेल बनाया हुआ था जो आपके सामने आ चुका है, इसे आप ध्यान दीजिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा बना हुआ है ना, ये आसवन विधि द्वारा पृथककरण की विधि है, मतलब जो बना हुआ है इसमें हमने फोटो भी अलग से एड किया है और प्लस लिखा भी है। अगर इसे लगाते हैं वीडियो में तो देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये देखिए लिखा हुआ सामान्य हिंदी का ना, ये लिखा हुआ थंबनेल ना, ये देखिए यूट्यूब पे वीडियो में लगा होता है अक्सर, है ना। लोग इसको देख करके समझते हैं कि आपकी वीडियो में क्या है, यानी कि आपकी दुकान में कौन सा सामान है, क्या आप बेचते हैं या फिर क्या आपके दुकान पर मिलता है। अगर कोई देखेगा तभी तो समझेगा ना, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाते। जो भी बना है आपको सबसे पहले इधर साइड में जो तीन आइकन बना है ऊपर, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप भगा भगा के देख लें। उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा। अब आपको लिखना क्या है, ये आपका टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर मैं आपको सबसे ऊपर बता दूँ, जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट क्लास होती है आजकल, जीरो लेवल गणित, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना होगा, कैसे, ये जीरो लेवल मैथ किसी भी तरह से आप लिख दीजिएगा ये। उसके बाद क्या करेंगे, हमने मोटा कैसे किया, ये देखिए पतला हो रहा है, ये जो साइड में बी है ना, ये जहाँ जहाँ मैं टच कर रहा हूँ इस पे, जब आप एक बार टच करेंगे तो पतला हो जाएगा ये, फिर दोबारा टच करेंगे तो मोटा हो जाएगा। तो इस पे हमने टच किया, देखिए पतला हो गया फिर मोटा हो गया, इसको साइड करके एकदम ऊपर ले जाएंगे, हो गया। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे आ गया ना। उसके बाद आप किस कलर में करना चाहते हैं, अगर नीला में तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ करें या यहाँ करें या ब्लैक में यहाँ करें, कहीं भी करें। तो मैंने इस पर ब्लैक कर दिया, देखिए बैकग्राउंड क्या हुआ, ब्लैक हो गया। अब अगर हमें ब्लैक में लिखना है, ब्लैक में क्या करेंगे, फिर ए पर जाएंगे, ए पर क्लिक करिए, जो लिखा आ गया। उसके बाद बीच बीच में इसमें एड भी आता रहेगा, आप क्लोज कर देंगे उसे या फिर बैक कर देंगे, ठीक है। फिर जाएंगे आगे, तो ये है ना एरो वाला, ये जो सही कटा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है बार बार। अब यहाँ से आप इस लेटर का भी कलर बदल सकते हैं, ये जहाँ जहाँ आप टच करेंगे उस कलर में ये हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ब्लैक पे लगता है जो ये कलर, इसको कर लिया मैंने। इसे आप 3D करना चाहते हैं तो ये देखिए 3D वाली जो लाइन है ना, इस पर इसे खींचते ले जाएंगे तो ये देखिए 3D हो गया। अब ये हो गया जीरो लेवल मैथ ना, लेकिन इसमें अगर भी हमें फोटो लगाना है, हाँ, इसको आप ये डैश पे जो ये है ना ऐसा ही, इस पर बार बार काटते जाएंगे तो एकदम कट जाएगा ये। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फ़ोटो लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, किस पे, इस पर नहीं, सॉरी, इस पर कैमरा पे, इस पर क्लिक किया ना, अब यहाँ पे आपके सामने तुरंत एड आ जाएगा। इसे आप बैक का बटन दबा के बंद मतलब हटा देंगे या फिर क्लोज कर देंगे। फिर जो एड पिक्चर लिखा है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी खुलेगी, गैलरी मांगेगा तो गैलरी खोल दीजिएगा। उसके बाद जहाँ भी फ़ोटो है आपकी जो लगाना चाहते हैं, जैसे यूजफुल इमेज हमने यहाँ रखा हुआ थंबनेल की सभी टीचरों की और भी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ये फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कोई भी एक फ़ोटो चुन लीजिए, उस पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगी, आ गई, नहीं ये बड़ी सी हो गई। तो अब आप इसको कहाँ सेट करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, फ़ोटो आप बना के रखे रहेंगे वो उसी में सेट हो जाएगी। तो हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर इसे आप हाथ से ड्रैग करके ले जाएंगे तो जाएगी, लेकिन हाथ से ज़्यादा ये या कम खिसक सकती है, इसलिए नीचे देखिए एरो बना है, ये जिधर को आपको ले जाना है उधर करना है। तो मैं नीचे इस एरो पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये फ़ोटो धीरे धीरे जा रही है, ज़्यादा ऊपर है तो मैं नीचे कर लूँगा, ये हो जा रहा ना।
ऐसे आपको इसको सेट कर देना है एकदम किनारे तक, मतलब चली जाए जैसे भी। मैं आपको कई तरह का थंबनेल बनाना दिखा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ना, अब देखिए इसमें फ़ोटो भी आ गई। आप क्या करेंगे, बट एक कम मज़ा आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं खींच करके निकाल देता हूँ इसमें से और इधर साइड में ले आता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैं इसको इधर अगर मैं पूरे स्क्रीन में कर दूँ तो जो जीरो लेवल लिखा था देखिए वो छिप जा रहा है ना। एक बात ध्यान दें, आप फ़ोटो सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले फ़ोटो लगाएंगे तभी लिखेंगे, नहीं तो वो नीचे दब जाएगी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये तो हो गया, फिर से फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो दूसरी फ़ोटो जोड़ेंगे, लेकिन हमें दूसरी फ़ोटो जोड़ना नहीं है, हमें अभी और लिखना है, तो हम फिर से ए पे क्लिक करेंगे। ए पे क्लिक किया, फिर ये जो डैश बना है ना सही का निशान, इस पर बार बार क्लिक करेंगे जब तक नया टेक्स्ट का ऑप्शन ना आ जाए। हाँ, इसमें आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा दूंगा बाद में। अब देखिए जीरो लेवल मैथ में मान लेते हैं हमारा क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रा है तो हमने लिख दिया अलजेब्रा, ऐड कर देंगे ये आ गया, फिर ब्लैंक ये मोटी बी पे कर देंगे तो मोटा हो जाएगा, फिर कर देंगे तो पतला हो जाएगा, जैसे भी होगा। फिर इसी जो सही का निशान है ना इस पर क्लिक करते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, इसका यहाँ से कलर बदल सकते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे। एक बात ध्यान दें, आप ये जो नीचे बने हुए ना ये यहाँ भी क्लिक करके इनका कलर में आप कर सकते हैं ऐसे, इस पर किया देखिए बदल गया, इस पर किया देखिए ऐसे ऐसे है ना ये, तो जो अच्छा लगे। अगर हम इस पर करते हैं ब्लैंक पे, देखिए ये यहाँ कर दिया ना, देखिए ब्लैक हो गया। फिर इसको इधर ले आएंगे, अगर ये देखिए रेड हो गया, ये जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर ऐसे इस पर सही बटन जो निशान है उस पर करेंगे तो ये कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको ऐसे घुमा सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं करना आपको, इसको नचा सकते हैं, ये भी नहीं करना है। हाँ, ये 3D वाला आता है, इसको आपको करना होगा ये, लेकिन जिस कलर में अच्छा लगेगा उतना ही। फिर नीचे वाली जो लाइन है इसको खींच के आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ये कितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा, उतना मोटा कर लें। पूरा देखिएगा वीडियो, पूरी जानकारी समझ में आएगी। ये अलजेब्रा हो गया ना। अब अलजेब्रा में क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें आप हिंदी कैसे लिखेंगे ये मैं आपको हिंदी लिखना बता देता हूँ। जब ये टेक्स्ट का बॉक्स खुलेगा ना तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके कीपैड में यहाँ पे टच करने पे ये गड़बड़ हो जा रहा है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए हट जा रहा है, फिलहाल नहीं आ रहा है। नीचे देखिए माइक्रोफोन बना है एक जगह, ये भाई यहाँ देखते जाएं अगर आप लोग, ये जहाँ मैं इसको घिरा रहा हूँ ये देखिए, ये माइक्रोफोन बना ना जहाँ मैं इसको घिरा रहा हूँ ये, उस पर आप क्लिक करेंगे। एडवांस मैथ देखिए नहीं लिख रहा है, अगर आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो लिख जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान दें, हो सकता है आप में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट हो, आपको हिंदी में लिखना है, तो आप जो ये आइकन बनाए ना बाबू, ये आइकन, ये इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आपका फ़ोन का सेटिंग खुल जाएगा। यहाँ से आप लैंग्वेज पे जाएंगे, यहाँ पे लैंग्वेज, फिर आप यहाँ पे केवल हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ बहुत सी लैंग्वेज आ जाएंगी। ये आपका इंग्लिश में जो टच होगा इंग्लिश इंडिया ना, इसको आप हटा देंगे और केवल हिंदी नीचे ले जाके कर लेंगे, जिससे कि आप जो बोलें वो हिंदी में टाइप होगा। देखिए हिंदी भारत लिखा है ना, इस पर करने के बाद सेव कर देंगे, ये हो गया। अब आप फिर बैक करेंगे वहीं आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, नेट नहीं चल रहा, थोड़ा रुकिएगा। देखिए जब आपका नेट चलेगा तो आप इसमें क्लिक करेंगे माइक्रोफोन पे, उसके बाद आप बोल पाएंगे, फिर इसमें लिखेगा ये हमारा नेट ना चलने की वजह से ये कह रहा है कि ट्राई अगेन, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो भी चीज़ लिख देंगे, मान लेते हैं एडवांस मैथ के अंतर्गत आपने लिख दिया मल्टीपल, देखिए हेडिंग आपको बताया जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो, यानी कि अगर आप PBR स्टडी के लिए वर्क करेंगे तो आपको इसमें हेडिंग बताया जाएगा क्या लिखना है। अगर आप खुद के लिए कोई फ़ोटो बनाना चाहते हैं किसी काम की तो आप इसमें अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं टाइटल क्या लिखना है आपको, फिर इस पर आप ये देखिए यहाँ से ये करके बड़ा कर सकते हैं, नीचे आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ ऐसे। फिर इसी एरो पे क्लिक करते जाएंगे, एक बार मैं आपको इसका भी फीचर बता दूँ, यहाँ से आप इसको ऐसे नचा घुमा सकते हैं, चाहे तो टेढ़ा करके लिख सकते हैं, फिलहाल सीधा करके भी लिख सकते हैं, और ऊपर जाएंगे इस पर तो ऐसे इसको फैला सकते हैं, ठीक है। नीचे से आप इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे फिलहाल, हमारे काम का नहीं है। तो फिर हम इसी जो एरो है इसी पे क्लिक करते जाएंगे, आगे जाएंगे, इसको अगर ऐसे खींचेंगे जिसका कलर बैकग्राउंड ऐसे बदलता जाएगा, अपने इच्छा अनुसार कर लीजिएगा। अगर आप बैकग्राउंड को लाल करना चाहते हैं या वाइट करना चाहते हैं, देखिए इसको इधर खींच देंगे, ये है ना इधर, और यहाँ से आप इसको बदल लेंगे किस तरह करेंगे, देखिए अब पीला होगा।
अब अगर खींचेंगे इसे तो पीला होगा, ये इसको पीला पे करके खींचिए ये। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे, फिर ऐसे करते जाएंगे, जो भी लिखना है सब लिख देंगे, जो भी आपको लिखना है कुछ भी लिख देंगे आप। उसके बाद क्या है, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि हमें यहाँ पी वी आर स्टडी लिखना है, आपका अपना चैनल पी वी आर स्टडी है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये पी वी आर स्टडी अगर यहाँ पर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख दिए, एडिट पे कर दिए, देखिए आ गया ये। सेव करने के लिए आप फिर से ऊपर इधर जाएंगे, ये जहाँ पे तीन बिंदी है उसके बाद सेव पे आएगा, सेव कर देंगे या डाउनलोड जेपीजी इस पे कर देंगे, डाउनलोड नाम लिख दें चाहे तो, नहीं तो ऐसे कर दें। देखिए डाउनलोड हो रहा है, क्रिएटिंग योर इमेज फाइल, अभी आपकी इमेज फाइल बन गई, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कहाँ पर है ये, आप देखें तो ये सेव है ना। अब इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए, है ना, कितनी अच्छी। इस तरह का थंबनेल आप बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, आप कोई भी देख सकते हैं। और कैसे क्या लिखना है ये आपके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है जिससे लोग अट्रैक्टिव हों, लोगों को उसके बारे में समझ में आए इसमें क्या है। तो ये सभी थंबनेल आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर आप हमारे साथ कार्य करेंगे तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बिल्कुल आपके मनचाही सैलरी आपके परफॉर्मेंस के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आप कॉन्टैक्ट करें, थैंक यू, डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर मिल जाएंगे, संपर्क कर सकते हैं।